बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खास जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों अक्सर एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के साथ मजाक मस्ती भी करते हुए नजर आते हैं। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार के काम को काफी सराहा गया था। ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगगननाथम से प्रेरित है, जिन्होंने सैनिटरी पैड बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई और महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए जागरूक किया हाल ही में फिल्म पैडमैन ने अपने रिलीज के 2 साल पूरे किए। पैडमैन के 2 साल पूरे होने पर अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फिल्म पैडमैन के 2 साल पूरे हो गए। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने में कामयाब रहे जिस पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम गरीबी को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और मासिक धर्म की वर्जनाओं को तोड़ पाएंगे। अक्षय ने अपने इस ट्वीट में फिल्म की हीरोइन सोनम कपूर और राधिका आप्टे को टैग किया। अक्षय की इस पोस्ट पर ट्विंकल खन्ना ने लिखा, अक्षय कुमार तुम पक्का मेरे अगले प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होगे। इसके बाद अक्षय ने तुरंत ही ट्विंकल से माफी मांगते हुए लिखा, कृपया मेरे पेट पर लात ना मारो, टीम को टैग करना भूल गया। मैं अपनी प्रोड्यूसर से माफी मांगता हूँ, फिल्म के डायरेक्टर आर बागी, जिनके बिना ये फिल्म असंभव थी। दरअसल ट्विंकल खन्ना ही फिल्म पैडमैन की निर्माता थी। अक्षय कुमार हाल ही में जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की मुहिम से जुड़े। उन्होंने आर्थिक मदद करने के बाद पीरियड्स के दौरान की स्वच्छता और पैड्स को लेकर एक नई मुहिम में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इसमें लोगों से भी जुड़ने की अपील की। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।